मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक के लिए आपने आप आए यहाँ, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हजरात, सबसे पहले इस मीटिंग का एजेंडा आप समाप्त फरमा लें। मीटिंग का एजेंडा ये है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को निकलता है और सुबह निकलता है। शाम को बाद नमाज ईशा और सुबह को बाद नमाज फजर नहीं बल्कि ये कीजिए 8 बजे, 8 बजे निकलता है मोहल्ला नौशारा से। शाम का भी जुलूस निकलता है और सुबह का भी जुलूस मोहल्ला नौशारा से निकलता है और अपने मुंतखब रास्तों से होता हुआ चौक में ख़त्म पज़ीर होता है रात में और दिन में यहाँ बस स्टैंड पे ख़त्म होता है। हजरात, इस बैठक का एजेंडा है ये है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़यादत हज़रात उलमाए किराम फरमाएंगे। उलमाए किराम की क़यादत में ये जुलूस सुबह का भी और शाम का दोनों वक्त के जुलूस की क़यादत और अगुवाई उलमाए किराम फरमाएंगे। सियासी लोग उलमाए किराम के पीछे चलेंगे और दोनों अकलूस में इस बात का ख्याल रखा जाए कि स्प्रे, रंगीन पानी और लाठी डंडा हथियार ये सब चीज़ें जुलूस में ना लाएं। और हजरत, खिलाफ शरा कैसेटों का इस्तेमाल ना करें और दोनों जुलूस में उछल कूद, डांस या किसी भी तरह का रक्स व सुरूर हरगिज ना करें। हुकूमत हिंद या किसी भी मुल्क के खिलाफ नारे ना लगाएं, इश्तेआल अंगेज नारों से कतई परहेज किया जाए। दोनों जुलूसों में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी शरई मजहब नारे ही लगाए जाएं। और हजरात मोहतरम, इतनी बात है कि दोनों जुलूस की क़यादत उलमाए किराम फरमाएंगे और दोनों जुलूस में ऐसा काम ना करें जो ख़िलाफ़ शरा हो, ऐसा काम ना करें जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, ऐसा काम ना करें जो दूसरे मज़हब के लोगों को ठेस पहुँचे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस एजेंडे को ख़त्म करता हूँ और इसके बाद अपनी राय पेश करने के लिए हज़रत अल्लामा मोहम्मद उमर साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी राय पेश करवाएँ।